सा है इंडिया की टीम की अब तक की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में? आपको सच बताओ तो एज अ इंडियन फैन मुझे लगा अगेंस्ट द यूएस टीम वी शुड बी मोर डोमिनेंट. ये कुछ ज़्यादा ही कंपेरेटिव हो गया था एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट यूएसए एंड इंडिया टू बी सुपर कंपेरेटिव. सो हैप्पी बट लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज इफ दिस इज एन ऑस्ट्रेलिया और अ वेस्ट इंडीज वी मे वुड हैव वी कुड हैव लॉस्ट द मैच. सो इंडिया की विक्ट्री का फायदा पाकिस्तान को हुआ, थोड़े चांसेस उनके ज्यादा हो गए आगे जाने के, तो क्या कहते हैं देखते हैं क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक आई मीन दैट्स ग्रेट. पाकिस्तान ऑब्वियसली वाज वेरी अनलकी टू लूज द लास्ट गेम. दे हैड इट इन देयर यू नो बेसिकली देयर आर्म्स एंड इट वाज स्नैच्ड अवे फ्रॉम देम इन द लास्ट 5 ओवर्स. केयरलेस बैटिंग बट आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ दिस इट बॉइल्स डाउन टू पाकिस्तान्स लास्ट गेम इन फ्लोरिडा व्हिच कुड बी अ वॉश आउट. So let's see what happens. Pakistan needs to pray to the rain gods that rain doesn't come and they have to finish their job first. And also hope Ireland beats USA. Pakistan team se koi cricketer pasand hai, kisi koi acha lagta hai? Oh absolutely. I am really really impressed by Naseem the bowler. I think that kid is one of the most talented players I've ever seen. And I would request anyone in the Pakistan board and the fans to put the next generation of Naseems out there because he bowls with his heart out and usne batting bhi achhi kari. And when he was crying at the end of the game, as an Indian, I felt a little bit bad that, you know, the guy had so much emotion, he was so vested into the game. Pakistan team pe bahut criticism ho raha hai, bahut zyada. Kya message denge Pakistani fans ko, Pakistani players ko? I think main bas ye kahunga ki, you know, you win together, lose together, right? And then at the end of the day, tournaments are not won with individual matches, tournaments are won in moments. So Pakistan ka moment abhi aana hai, hoy ya na hai, mujhe nahi pata, but look for the moment, back your team, win together, lose together, and support them, you know, through the bad times and also through the good times. जीत में थोड़ा हम्बल एंड देन हार में भी थोड़ा सपोर्टिव, दैट्स ऑल आई वुड से. अब इंडिया का टीम आईसीसी ट्रॉफी बहुत टाइम हो गया नहीं जीता है, जाता है फाइनल स्टेजेस से हार रहा है. हमने देखा लास्ट मैच में बड़ा चांस था जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया मतलब बड़े क्लोज मार्जिन से ट्रॉफी काफी टाइम हो गया नहीं जीता, लास्ट ट्रॉफी को भी बहुत टाइम हो गया. तो क्या लगता है कि इस बार चांस फेयर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड पाकिस्तान न्यूजीलैंड ये टीम जो है वो उनका आगे जाने का मुश्किल है, तो इंडिया का चांस ट्रॉफी उठाने का ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है? आई वुड से यस, बट देन आई थिंक द बिगेस्ट एक्स फैक्टर इज एक तो ऑस्ट्रेलिया बिकॉज यू डोंट नो व्हाट वर्जन ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल शो अप. एंड सेकंड द फाइनल सेमी फाइनल विल नॉट बी इन अमेरिका, इट विल बी इन वेस्ट इंडीज. अलग पिच, स्पिनर्स विल कम इन टू प्ले. एंड आई थिंक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी ये होगी कि जो इंडियन टीम को अपने स्पिनर्स को अडैप्ट करना होगा उन पिचेस पे, इट्स गोइंग अ डिफरेंट बॉल गेम टोटल 180 डिग्री. सो हैविंग सेड दैट, फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गोइंग टू बी अ टफ बैटल, बट फ्रॉम एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर विराट एंड रोहित देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन दिस कप बिकॉज दिस कुड बी द लास्ट नॉकआउट आईसीसी टूर्नामेंट. So wishing for the best.